हेलो दोस्तों, लर्न एडवांस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों क्विकली आज आपको मैं तीन फंक्शंस के बारे में बता देता हूँ। नंबर वन है लोअर, नंबर टू है अपर और नंबर थ्री है प्रॉपर। ये किस तरह से आपको अप्लाई करना है, क्यों करना है, आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो एंड तक ज़रूर देखिए, नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, अगर इस तरह का टेक्स्ट को आपको ठीक करना है, यानी कि सभी स्मॉल लेटर में लाना है या फिर सभी लेटर को कैप्स में लाना है या फिर प्रॉपर तरीके से लाना है, तो किस तरह से, पहले मैं आपको लोअर समझाऊंगा। इज इक्वल टू लोअर लेना, अगर आपको सारा स्मॉल में चाहिए तो लोअर फंक्शन ले लीजिए, ठीक है। इस तरह से ओपन ब्रैकेट करेंगे, सेलेक्ट करना है और एंटर करना है दोस्तों, ठीक है। इसमें कुछ लॉजिक ऐड करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तीनों फंक्शन बहुत ही सिंपल है और बहुत ही यूज़फुल भी है। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर सारा स्मॉल में आ गया। अगर आपको कैप्स में चाहिए तो आपको अपर फंक्शन लेना है, ठीक है, सेलेक्ट करना है और एंटर करना है दोस्तों, इस तरह से, ठीक है, सारा कैप्स में आ गया। अगर आपको पहला लेटर कैप्स में चाहिए, दूसरा लेटर स्मॉल में चाहिए, तो आपको प्रॉपर लेना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉपर ले लिया, ओपन ब्रैकेट, सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। दोस्तों वेलकम टू लर्न एडवांस, ये मेरा चैनल का नाम है, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसको अभी निकालता हूँ, दोबारा से करके बताता हूँ। स्मॉल लेटर में चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लोअर फंक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको कैप्स में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, अपर फंक्शन लेना है। अगर आपको प्रॉपर यानी कि पहला लेटर कैप्स में, दूसरा लेटर स्मॉल में चाहिए तो प्रॉपर लेना पड़ेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, चलिए अभी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।